जो कहा वो किया सीरीज के आज के एपिसोड में हम देखेंगे कि कैसे मोदी सरकार ने झारखंड से किए बेहतर स्वास्थ्य सुविधा और देवघर एम्स के अपने वादे को पूरा किया है। 25 मई 2018 को प्रधानमंत्री मोदी जी ने देवघर एम्स का शिलान्यास किया था। बाबा भोलेनाथ की नगरी देवघर में एयरपोर्ट और एम्स और रांची में पाइपलाइन से गैस पहुंचाने का प्रोजेक्ट, एक साथ 27,000 करोड़ रुपए का काम आज झारखंड की धरती पर शिलान्यास हो, जिसका 12 जुलाई 2022 को उद्घाटन भी प्रधानमंत्री मोदी जी ने ही किया। हम सभी ने देवघर एयरपोर्ट को और देवघर एम्स, इसका सपना लंबे समय से देखा है। ये सपना भी अब साकार हो रहा है। 1100 करोड़ रुपए से अधिक की लागत से बना देवघर एम्स 236 एकड़ से अधिक की भूमि पर स्थित है। उद्घाटन के समय ये एम्स अस्पताल 250 बेड का था, जिसे साल 2023 में 750 बेड का कर दिया गया। वहीं इसके परिसर में 23 मंजिला आवासीय टावर भी है। देवघर में एम्स बनने से मरीजों को न्यूरोसर्जन, कार्डियोलॉजी, कैंसर जैसी गंभीर बीमारियों के लिए सुपर स्पेशलिस्ट डॉक्टरों की सेवाएं अब झारखंड में ही मिल रही है। बीते 10 वर्षों में मोदी सरकार ने अत्याधुनिक अस्पताल और बेहतर स्वास्थ्य सुविधा देने के क्षेत्र में अनेक महत्वपूर्ण कार्य किए हैं और झारखंड के देवघर में बना ये एम्स इस बात का प्रमाण है कि भाजपा सरकार में देश के कोने कोने तक आज वर्ल्ड क्लास मेडिकल सेवाएं पहुंच रही हैं। कमल का बटन दबाएं, भाजपा को जिताएं।